सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक वर्मा और हम आपका स्वागत करते हैं सिग्मा यूथ इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं CNC टर्निंग मशीन में कैसे प्रोग्राम को एडिट किया जाता है। फ्रेंड, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ सेम स्टेप आपको बार बार दोहराने हैं, लेकिन फ्रेंड याद रखना, जब भी आप ये काम करो तो प्लीज़ किसी ट्रेनर के अंडर गाइडेंस में करो, जिससे मशीन में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब हम मशीन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी मशीन पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको प्रोग्राम को एडिट करने के लिए अपनी एडिट की को प्रेस करना पड़ेगा। एडिट की को प्रेस करने के बाद आप प्रोग्राम की को प्रेस करते हैं। जैसे ही फ्रेंड आप प्रोग्राम की को प्रेस करते हैं, उसके बाद आपको एडिट की को ऑन करना पड़ता है। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी एडिट की है। जब ये इस सिंबल पर होगी तो आप कुछ भी प्रोग्राम में एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन जब आप इसको लॉक कर देते हो तब आप प्रोग्राम में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। तो जब भी आपको प्रोग्राम को एडिट करना है तो आपको की को ऑन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड चलिए अब मैं अपने एक प्रोग्राम को एडिट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड पहले हम अपने प्रोग्राम पर आते हैं। अब फ्रेंड मेरे पास एक प्रोग्राम बना हुआ है। अगर फ्रेंड आप इस प्रोग्राम में, जैसे मुझे एक अपनी लाइन ऐड करनी है, मैं नीचे आता हूँ, मुझे फ्रेंड मान लो यहाँ पर G0 में एक कोड देना है, तो मैं G0X5.0Z5.0, मैंने ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख दिए एक कोड के साथ। उसके बाद एंड ऑफ ब्लॉक और मैं अपनी लाइन को इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मेरी लाइन इंसर्ट हो गई है। अगर फ्रेंड आपको इस लाइन को डिलीट करना है 1x1 करके, तो आप डिलीट बटन का यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड हमारी ऐसी लाइन हम डिलीट कर सकते हैं। अगेन फ्रेंड, आपको अगर कुछ वैल्यू आपसे गलत डल गई है और आपको वो वैल्यू चेंज करनी है, जैसे मुझे Z2.0.2 की जगह Z5.0 लिखना है, तो आपको Z5.0 टाइप करना पड़ेगा और आप अल्टर यूज़ कर सकते हो। तो Z0.2 से Z5.0 पर चेंज हो जाएगा।